अच्छा भाई साहब, आज सुबह यहाँ क्या घटना हुई थी? आज सुबह यहाँ सुबह स्कूल की बस निकल रही थी, तो ये जो सीवरेज आप पीछे नजर आ रही है, इस सीवरेज के अंदर एक खड्डा बन गया और लगातार बारिश होने के कारण ये पूरी रोड एकदम नीचे हो गई है और धीरे धीरे पूरी धस गई है। ये पूरी रोड पे दलदल हो गया है और अब यहाँ से जो भी भारी वाहन निकल जाते हैं वो भारी वाहन इस रोड में धसने लग गए हैं। अच्छा, सुबह बस के साथ क्या हुआ? सुबह बस यहाँ जो ही स्कूल से बच्चों को लेने के लिए या मोहल्ले के छोटे बच्चों को लेकर जाती है स्कूल, तो स्कूल जो ही यहाँ आई बस और रोड के अंदर पूरी धस गई बस। और जिसको ठीक है, गनीमत रही है कि उसमें बच्चे कम थे और उसमें लोड कम था। अगर यही लोड ज्यादा होता तो सारे बच्चे इसमें समा जाते। परिचय बता दो सर। मेरा नाम बलवीर बाटी, मगरा पूंजा निवासी। भाई साहब, ये परेशानी कब से है आपको यहाँ? सर, ये यहाँ पे परेशानी एक साल से लगभग है और हर साल ये परेशानी रहती है, क्योंकि जब भी बारिश होती है और बारिश होने के बाद में जो भी पानी जोधपुर में इकट्ठा होता है वो इस सीवरेज के थ्रू रवाना करते हैं, और अगर वो पानी अगर इन छोटी छोटी सीवरेज में चलता है तो यही प्रॉब्लम होने लग जाती है जो आप पीछे देख सकते हो। क्योंकि आज सुबह की घटना है, सुबह 8:15 बजे यहाँ से एक बस निकल रही थी शिव पब्लिक स्कूल की, उसमें दो ही बच्चे थे और ड्राइवर था उसके साथ में। अगर वो बस पूरी 30 या 35 बच्चों के साथ भरी होती है तो पूरी के पूरी बस इसके अंदर चली जाती और मान हानि का नुकसान भी होता। पर अच्छी बात है कि बच्चों का कोई नुकसान नहीं हुआ और मान हानि भी कुछ नहीं। अपने अधिकारियों को और सर, हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को भी सूचित किया, नगर निगम को भी सूचित किया, वो सब अधिकारी आए निरीक्षण करके गए यहाँ पे, बट उन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, बस हमको सांत्वना। कब आए? सर अभी आधा घंटा पहले आए थे, अभी के समय से एकदम नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। अब बताओ। आसपास में बहुत गंदगी फैली हुई है, बच्चों के आने जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी निकलती है तो भी दिक्कत होती है, हर सालों साल ऐसे यही होता रहता है। आज सुबह क्या हुआ? मैं सर, मैं तो ड्यूटी पर थी, यहाँ पर आते हुए पब्लिक से सुना था कि यहाँ बस अंदर गिर गई थी, बच्चे थे वो भी अंदर गिर गए थे। ठीक, नाम बता दो आप। देविका चौहान।